अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस जीतने वाले इंडियन टेलीविज़न के नौजवान अदाकार चल बसे। उनकी वफ़ात की खबर सुनकर साथी फनकार और मद्दा सदमे में हैं। इंडियन टेलीविज़न के नौजवान अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला की जुमेरात को मुंबई के कोपर अस्पताल में वफात हो गई। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक 40 बरस के सिद्धार्थ शुक्ला को जुमेरात की सुबह दिल का दौरा पड़ा, ताहम उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। कोपर अस्पताल के हुकाम ने खबर रसा अदारे को बताते हुए कहा कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत वाकई हो चुकी थी। सिद्धार्थ शुक्ला इंडियन टेलीविज़न के इंतहाई मकबूल अदाकार थे। वो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखते थे। उनके करीबी साथियों का कहना है कि वो रोज़ाना जिम जाया करते थे। यूं तो सिद्धार्थ शुक्ला अब फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम जमा चुके थे, लेकिन टेलीविज़न के ड्रामे बलिका वधु में उनका किरदार बहुत मशहूर हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने कैरियर का आगाज़ मॉडलिंग से किया था और उन्होंने अदाकारी की दुनिया में टीवी शो बाबुल का कंगना छूटे ना से कदम रखा। इसके बाद उन्हें पहने पहने और अजनबी और तुमसे मोहब्बत है नामी ड्रामों में भी अदाकारी के मौके मिले, लेकिन वह मशहूर बलिका वधु से हुए। इसके अलावा वो रियलिटी शो झलक दिखला जा 6, फेयर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 में भी नज़र आए। 2014 में सिद्धार्थ शुक्ला ने करण जौहर की फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से हॉलीवुड में कदम रखा। उन्हें इस फिल्म में मामून का अदाकार का किरदार मिला। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के फाते थे। सिद्धार्थ शुक्ला और बिग बॉस में उनकी साथी फनकार शहनाज गुल की दोस्ती के बहुत चर्चे रहे। दोनों को कई मशहूर वीडियो में एक साथ देखा गया। दोनों की जोड़ी को प्यार से सदनाज भी कहा जाता था। सिद्धार्थ के सोगवारों में उनकी वालिदा और दो बहनें शामिल हैं। इनकी मौत पर फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई है। सिद्धार्थ की मौत पर कई अदाकारों ने दुख का इजहार किया और अफसोस करते हुए कहा कि एक नौजवान की मौत पर हमें बहुत अफसोस है। व्यूवर्स, आप सिद्धार्थ के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।